कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बिंदुकता वासियों द्वारा बिंदुकता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि बिंदुकता ही नहीं गोला पार के बाघ जला लोग भी बीते चार दशकों से राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं, जिससे पिछले चुनावों में भाजपा नेताओं ने राजस्व गांव बनाने का वायदा किया था, लेकिन 3.5 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी सत्तारूढ़ पार्टी की यहां के विधायक और राज्य सरकार ने बिंदुकता राजस्व गांव के सवाल पर कोई ठोस पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का भेदभाव बिंदुकता और बागजला के लिए साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के कथित किसान विरोधी कानून को वापस लेने और दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि 3 किसान विरोधी कानून लाकर केंद्र सरकार ने किसानों की आजीविका पर क्रूर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों से किसानों को नहीं पूंजीपतियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में भारी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटकर कानून को लाया है। और कई दिनों से बिंदुकत्ता में एक राजस्व की मांग को लेकर लड़ाई ले रहे हैं। वैसे ही एक गोलापार क्षेत्र है बागजाला, इसमें भी हम राजस्व की लड़ाई ले रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन सरकार ने केवल खाली छोटे वादे करे और केवल जुमलेबाजी की सरकार रही। इन्होंने कहीं पर भी कोई काम नहीं करे। और जो लोग ये मांग रहे हैं, आज मांग कर रहे हैं तो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के उसमें कोई भी जुर्म इन कानून में नहीं बदल, केवल अपने जुर्मबाजी में मगन है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्हें 4.5 सालों में कहीं पर भी कोई एक भी पत्थर तो नहीं लगा है अपने कार्यकाल में। देखो, पूर्व सरकार ने एक गोलापार में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का निर्माण किया था, जिसमें कई 2600 पेड़ भी कट गए और कितने करोड़ रुपये इसमें खर्च भी किए गए थे। लेकिन ये सरकार आते हुए इन लोगों ने वो बस अड्डे को भी हटा दिया। मतलब एक निर्माण कार्य पूर्व सरकार ने जो अपनी योजना रखी थी, जिसे काम सुचारू रूप से चल रहा था, और इनकी सरकार आते हुए उस वो काम तक इन लोगों ने हटा दिया। बताओ, ऐसी तो सरकार की नीति है। ये डबल इंजन की सरकार जो है बिल्कुल फेल हुई है। सारा जनमानस इस बात को समझ चुका है और बिल्कुल भी एक भी मतलब ये किसान का जो मामला है, जिसे इन्हें कैबिनेट का हमारे उसमें चला था, और किसान 31-32 दिनों है, इसमें भी आज वो बिल्कुल ऐसे ठंड में एक हमारा अन्नदाता है, जो हमारे पूरे लोगों को पाल, हमारी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है इस देश की, लेकिन आज देखो वो कैसे टूट टूट कर बैठा हुआ है। कई मौतें तो हो चुकी हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, उनको फायदा दिलाने के लिए, ना कि ये कोई किसान को किसी को फायदा दिलाना चाहती है। केवल इसीलिए जो जनमानस है, जो आम आदमी है, उसका बिल्कुल विद्रोह हो रहा है, उसको कहीं पर भी इस सरकार से कोई सहायता नहीं है। देखिए, ये जो 3 बिल इन्होंने जो कानून के ऊपर जो किसान के ऊपर जबरदस्ती के थोप रखे हैं, जो किसान नहीं मान रहा है, तो किसान तो हमारा अन्नदाता है ना, उसकी बात तो माननी चाहिए इस सरकार ने। लेकिन उस पर जबरदस्ती कुछ अडानी अंबानी का फायदा कराने के लिए इन्होंने तो रोक देना चाहिए था। लेकिन ये किसान विरोधी है और जनता विरोधी है और सारे जो बेरोजगार विरोधी है, रोजगार ने जो 2000 करोड़ हम रोजगार देंगे हर सालाना करके 15 लाख देंगे, ये तो खाली चुबलेबाजी में है। इनके बारे में तो ऐसा कुछ कहना ही नहीं है। ये लोगों ने बिल्कुल एक ठान लिया है कि हम लोग पूंजीपति के लिए इस सरकार आई है, उन्हीं का फायदा दिलाएंगे। आदमी मरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में भी ये नारा है इनका कि बेटी को पढ़ाओ और मारो, किसान करो किसान को मारो, तो यही नारा इनका है। केवल जनता को लेकर होती है, किसानों को लेकर होती है, और क्या कहते हैं बेरोजगारों को लेकर होती है, और आम जितने भी जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा हैं, महिला हैं, महिला उत्पीड़न से लेकर के सभी लोग हैं, इनको लेकर सरकार चलती है। सरकार एक जनता को लेकर चलती है, ऐसा नहीं है। जनता सब समझ चुकी है। आने वाले उसमें हम एक एकजुटता के साथ 2022 और 2024 का हमारा मिशन है। ये सरकार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बस उन्हीं